तो फाइनली इतने सारे डिलेज के बाद मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 1 आज ड्रॉप हुआ। एंड इस अकेले एपिसोड को देखने के बाद अपन पूरी सीरीज के बारे में कुछ भी कहें वो एकदम से ही गलत बात हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ एपिसोड 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और हाँ, इस वीडियो के अंदर थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं तो तुम ध्यान से आगे बढ़ना। अब इस एपिसोड को देख के ये आइडिया तो लग चुका है कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होने वाली है। एंड ये चीज काफी डिसअपॉइंटिंग भी है क्योंकि कॉमिक बुक में सीक्रेट इन्वेजन एक बहुत बड़ा इवेंट है और उसको तुम 6 एपिसोड की एक सीरीज में कवर करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें भी तुम्हारी सीरीज ग्राउंडेड है। तो मुझे खुद बताओ, सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज में कोई मेजर एवेंजर या फिर कोई मेजर कैरेक्टर स्क्रल नहीं निकलता तो फिर सीक्रेट इन्वेजन का असली मजा है कहां? अब हाँ, मुझे पता है कि अभी सारे एपिसोड हमने नहीं देखे तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ भी दिख जाए, लेकिन ट्रेलर्स में देख तो साफ साफ बोल रहा है कि मेरी अकेले की जंग है और मैं यहां पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर इस इवेंट के अंदर कोई बड़ा एवेंजर या फिर कोई मेजर कैरेक्टर स्क्रल ना निकला तो एमसीयू के अंदर तो सीक्रेट इन्वेजन वाला इवेंट बर्बाद हो जाएगा ना। वैसे निक फ्यूरी से आता है, इस एपिसोड के अंदर हर एक बंदा निक फ्यूरी को बुढ़ाऊ क्यों बोल रहा है? तुमको नहीं पता निक फ्यूरी क्या कर सकता है? भाई वो निक फ्यूरी है, बाण फाड़ देगा, जबान से पोछा लगवाएगा। इसके अलावा एपिसोड 1 एक ठीक ठाक सी वाइब कैरी करता है। इसके अलावा मेकर्स ने इस एपिसोड के स्टार्टिंग से ही स्टेक्स को हाई रखने की कोशिश की है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई वो स्टेक्स हैवी फील नहीं होते क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम बताया गया था कि भाई 2-3 बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं और ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होंगे जिसके रिजल्ट में अपने को अमेरिका वर्सेस रसिया की वॉर देखने को मिलेगी। और हाँ, इस चीज को रोका नहीं गया, स्क्रल्स को रोका नहीं गया टाइम पे, तो भाई अर्थ के ऊपर से ह्यूमंस का नामो निशान बट जाएगा। ये लाइन इतनी कैजुअली ड्रॉप कर दी गई है एपिसोड के अंदर कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब टेलोस ये लाइन निक फ्यूरी को बोलता है और निक फ्यूरी खड़ा हो जाता है। मतलब अगर आप ठीक से ध्यान ना दो उस सीन पे तो तुम खुद से सवाल करोगे कि ये निक फ्यूरी अचानक खड़ा क्यों हो गया। एंड देखो, अगर आप स्टेक्स इतने हाई रख रहे हो तो उस चीज को आपको जस्टिफाई भी करना चाहिए था। सीरीज का पहला ही शॉट होना चाहिए था कुछ ऐसा जिससे वेटेज फील हो, जिससे सीरीज में दम लगे, जिससे ऐसा कुछ लगे कि मामला वाकई में सीरियस है। और उसके बाद अगर आप ये लाइन ड्रॉप करते कि भाई ह्यूमंस का एक्सटिंक्शन होने वाला है तो वो चीज फिट भी बैठती और स्टेक्स जो है वो जस्टिफाइड लगते। लेकिन आपने कैजुअली ऐसे ही लाइन ड्रॉप कर दी, उस चीज को जस्टिफाई नहीं किया तो वो चीज कुछ ज्यादा वेट ऐड नहीं करती सीरीज के अंदर। अब हाँ, मोस्ट प्रोबेबली वो लोग इस चीज को जस्टिफाई करेंगे अपनी 5th या 6th एपिसोड में, जस्ट लाइक अ टिपिकल एमसीयू शो। बट चीजें ऐसे नहीं चलने वाली। अभी तक आपने सेम फॉर्मूला फॉलो किया ऑलमोस्ट हर एक सीरीज के अंदर एंड आपने देखा कि कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है 2-3 शो को छोड़ के, तो आपको इस सीरीज में कुछ अलग करना चाहिए था और इस सीरीज के स्टार्टिंग से ही आपको कुछ हैवी चीजें दिखानी चाहिए थी। अब हो सकता है कि वो लोग फ्यूचर के एपिसोड्स में इसको ठीक कर ले, और अगर ठीक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इस एपिसोड के एंड में एक और शॉकिंग सी चीज होती है जो कि अगेन हिट नहीं करती। मतलब इमोशंस को ठीक से दिखाया नहीं गया है एंड हो सकता है कि तुम भी उस चीज से कनेक्ट ना कर पाओ। और हाँ, ये एपिसोड एंड होते होते तुम्हें एक ठीक ठाक सा आइडिया जरूर दे देता है कि भाई अर्थ के अंदर स्क्रल्स की पकड़ कहां तक पहुंच गई है। इस एपिसोड के अंदर ये भी दिखाया गया है कि भाई स्क्रल्स कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिप्लेस करते हैं, और भाई वही एक ऐसा सीन था जो कि थोड़ा बहुत वेट ऐड करता है इस एपिसोड के अंदर। और उसी सीन के बाद से एपिसोड में थोड़ा बहुत वेट ऐड होता है और तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने लगता है। एट द एंड ऑफ द डे ये एपिसोड ये बताने की कोशिश करता है कि भाई खतरा ग्लोबल लेवल पे है, अगर टाइम से रोका नहीं गया तो ह्यूमंस का नामो निशान मिट जाएगा अर्थ से। और अगर एज अ सिंगल एपिसोड तुम्हें इस एपिसोड को जज करना हुआ तो देखो, एपिसोड ठीक ठाक सा है, हो सकता है तुम्हें बीच बीच में बोरिंग सा फील हो, बट अगर तुम वाइब से कनेक्ट कर गए तो तुम्हें एपिसोड सही लगेगा। एंड उम्मीद करते हैं कि भाई उन लोगों ने जो स्टेक्स बताए हैं इस एपिसोड के अंदर वो लोग उसे जस्टिफाई कर लें इस सीरीज के अंदर, क्योंकि भाई मार्वल एक और फ्लॉप शो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि क्वांटम मेनिया, थॉर लव एंड थंडर, शी हल्क और मिस मार्वल जैसे पैथेटिक प्रोजेक्ट्स के बाद मार्वल एक और फ्लॉप अफोर्ड नहीं कर सकता। तो होप करते हैं कि एपिसोड डिलीवर करे। और खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।